इलाहाबाद लोकसभा सीट पर 40 साल बाद कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को हराकर इस सीट पर कब्जा किया है। उज्जवल रमण सिंह ने अपनी जीत को लेकर कहा कि जनता ने अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के 5 न्याय के सिद्धांत पर मुहर लगाई है। ठीक है। आज तो अब जो थकान थी चुनाव प्रचार की सब अब मिट रही होगी, तमाम लोग बधाई देने आ रहे हैं, तो किस तरह से लग रहा है? निश्चित तौर से उत्साह है लोगों में खुशी है, और पूरे प्रदेश में जिस तरीके का जनमत आया है प्रयागराज के साथ साथ, सब पूरा प्रदेश आज खुशी में झूम रहा है। और इसके लिए मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी को, जो ऐतिहासिक जनमत आज मिला है, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र प्रयागराज की जनता और प्रदेश की जनता है, जिन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया है। अच्छा उज्जवल जी, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे जिसे जनता ने स्वीकार किया और आपको इतना बड़ा जनादेश दिया? देखिए, नकारात्मक राजनीति के खिलाफ हम लोग गए थे, जो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही थी इसके खिलाफ हम लोग गए थे कि हमारी मोहब्बत की दुकान है, आप इसमें आइए। और निश्चित तौर से जनता ने उसमें अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। और प्रयागराज के जो अस्मिता और गौरव के साथ जो सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा था, उस सौतेला व्यवहार के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, और प्रयागराज की खोई हुई गौरव को, अस्मिता को दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा।